राधास्वामी चैरिटेबल अस्पताल में चल रहे कोविड अस्पताल को दूसरी जगह शिफ्ट करने व चैरिटेबल अस्पताल में आम जनता के लिए ओपीडी को दोबारा शुरू करने के लिए आम जनता के बाद अब बड़सर के विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि राधास्वामी चैरिटेबल अस्पताल गरीब जनता को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलती थी, लेकिन जब से इसे कोविड अस्पताल में तब्दील किया है लोगों को इससे महरूम रहना पड़ रहा है। आपको बता दें कि राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल में 7 लगती पंचायतों को निशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है, तो वहीं ऊना बिलासपुर मंडी जिलों के लोग भी यहां इलाज करवाने आते हैं। बटसर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि चैरिटेबल अस्पताल के मुद्दे को लेकर सीएम को पत्र लिखकर सारी स्थिति से अवगत करवाया है। उन्होंने कहा कि सीएम से मांग की है कि इस चैरिटेबल अस्पताल में फ्री में इलाज होता था, लेकिन अब लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड चैरिटेबल अस्पताल में इलाज शुरू किया जाए ताकि गरीब लोगों को निजी अस्पतालों में जाकर भारी भरकम पैसा न खर्च करना पड़े। देखने में आ रहा है कि जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज है, भुट्टा का पीएससी है, या हमारे बड़सर का सिविल हॉस्पिटल है, बिजड़ी का जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर भी पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, जिस वजह से जो गरीब लोग और जो आम लोग भुट्टा चैरिटेबल राधा स्वामी हॉस्पिटल से जो अपना लाभ अर्जित करते थे उससे वो वंचित हो गए हैं। चैरिटेबल हॉस्पिटल का जो मुद्दा है, इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखकर भी विशेष रूप से अवगत करवाया है और उनसे मांग की है कि आम जनता जो गरीब लोग थे जिनका जो मुफ्त में इलाज होता था इस हॉस्पिटल में, वो आज बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। इन सारी परेशानियों को देखते हुए और आम जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखकर इस बारे में अवगत करवाया है कि कृपया आम जनता की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए जो स्वास्थ्य लाभ उनको भुट्टा चैरिटेबल हॉस्पिटल में पहले से मिलता था वो दोबारा से मिले, और जो हमारे गरीब जनता जो है, आम जो लोग हैं, जो भारी भरकम पैसा बाहर नहीं चुका सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हैं, उनकी तरफ ध्यान देते हुए इस हॉस्पिटल को तुरंत कोविड-19 से समाप्त किया जाए। लखनपाल ने कहा कि भुट्टा अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाकर रखा हुआ है और इस अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाए जाने का पहले से भी विरोध किया गया है, लेकिन फिर भी सरकार ने लोगों की एक नहीं मानी है। उन्होंने कहा कि बाहरी जिलों से भी इस अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आते थे, लेकिन अब उनके लिए समस्या बन रही है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल की ओपीडी को लोगों को बहाल करने के लिए सभी आग्रह कर रहे हैं, जिस पर जल्द सरकार को ओपीडी खोलने के लिए कदम उठाने चाहिए। भुट्टा में जो हमारा राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल है उसके संदर्भ में बड़े लंबे समय से, लगभग 2.5 महीने से सरकार ने इस चैरिटेबल हॉस्पिटल को कोविड-19 हॉस्पिटल बना के रखा है, और जिस समय इसको कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था उस समय से लोग इस हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाने का विरोध कर रहे हैं। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र बड़सर के निवासी तो परेशान है ही हैं, और पूरे जिला हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना से जितने भी लोग इस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते थे उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से कई बार जनप्रति